सारे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बहुत ज़्यादा आपको हीरोज़ मिल जाएंगे, लेकिन शाहरुख खान जैसा कोई एक ही होगा जो कि अपने देश के खातिर, अपने मुल्क के खातिर बलिदान देने की पूरी कोशिश करता रहता है। राज्यसभा से बात करते हुए प्रियंका गांधी भी शाहरुख खान का धन्यवाद करती है और कहती है कि हमें गर्व महसूस होता है कि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार हमारे देश भारत का हिस्सा हैं, जिन्होंने हमारे 8 जवानों की जान उस टाइम बचाई जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। शाहरुख खान की वजह से हमारे भारत से 8 जवानों को कतर से रिहाई मिली और शाहरुख खान ने उस टाइम पर आकर एंट्री मारी जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाने वाला था, लेकिन शाहरुख खान की वजह से आज उनके बीवी बच्चे काफी हद तक खुश हैं। आज शाहरुख खान नहीं होते तो वो फांसी पर लटक चुके होते। प्रियंका गांधी कहती है कि ये सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था, वो है शाहरुख खान। कतर में मौजूद हमारे 8 नेवी जवानों को रिहा करवाया और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि खान इज द ग्रेट और वो हमेशा से अपने देश के खातिर, अपने भारत के खातिर हर नेक काम करने के लिए ऐसे ही आगे आते रहेंगे। शाहरुख खान ने हाल ही में जवान और पठान से काफी हद तक बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी है, लेकिन अब मीडिया पर भी शाहरुख खान बहुत जोरों शोरों पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके नेक कामों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। शाहरुख खान सिर्फ एक ग्लोबल स्टार भी नहीं है बल्कि एक नेक इंसान भी हैं जो कि हमेशा से ही लोगों की भलाई के काम करते हैं। उन्होंने कहीं ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जो कि कोई भी बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का हीरो करने का पावर नहीं रखता। शाहरुख खान ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि इंसानियत अगर आप में है तो आप बहुत बड़े समुंदर को भी लांग कर कहीं भी पहुंच सकते हो। और ऐसे ही कतर पहुंच गए शाहरुख खान और 8 जवानों को रिहा करवाकर भारत माता की जय बोलकर बॉक्स ऑफिस पर तो धमाका किया, लेकिन अब पूरी दुनिया पर भी राज दिखा दिया है। शाहरुख खान के इस नए काम से आप कितना सहमत हो और शाहरुख खान की मूवीज़ को आप कितना पसंद करते हो, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? शाहरुख खान ने 8 जवानों को रिहा करवा के जो काम किया है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।